हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3F करेंगे, जहाँ पर मैं ये वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के जो क्वेश्चन है ना, उनको एवेल्युएट करना सिखा दूंगा। और देखो, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, जो हमने एक्सरसाइज 3 में पढ़ा है सेम वही मेथड रहेगा। बस डेसीमल लगा हुआ है तो हम डेसीमल लगा देंगे, तो बस वही आपको डेसीमल लगाना सीखना है। बाकी आपको जो पूरा रूल है वो पूरा पूरा 3E का है। तो अगर आपने 3E वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आपको ये वाला वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ मैंने एकदम डिटेल में समझाया है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाते भी चलूँ और थोड़ा जल्दी भी को सॉल्व करते चलें, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं वाला वीडियो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने पहले बता दिया कि जो हमारे प्रीवियस वीडियो है 3 का, वो तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा जो मैं नेक्स्ट वीडियोज बनाऊंगा ना, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आगे तक का या फिर अगले वाले एक्सरसाइज का, उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है हमें, अंडर रूट 1.69। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से आप ट्री बना लो। अब सिंपल मेथड है, यहाँ पर लिख लो 1.69, ठीक है? उसके बाद क्या किया जाता है कि अब आपको पेयर बनाना है राइट साइड से 2-2 का। तो यहाँ पर हम, यानी कि 2 नंबर्स का पेयर बनेगा। तो यहाँ पर इसका तो पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इसको ऐसे छोड़ देना है। अब हम क्या करते हैं कि इस साइड से स्टार्ट करते हैं डिवाइड देना। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो हम कुछ ऐसा नंबर सोचेंगे जिस जो कि 1 का क्या हो, स्क्वायर हो, यानी कि उस वाला उस नंबर में हमारा 1 आ जाए। तो हमारा कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसमें 1 आता है, तो 1 बन जा ही 1 होता है, 1 ही एक ऐसा स्क्वायर है जिसमें 1 आता है हमारा। तो हम यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, जब कभी भी 1 रहे ना तो आप समझ जाना कि वो 1 से ही स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर 1 बन जाए हमारा 1 हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होकर के पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब रूल क्या है कि जितना का आपने ऊपर से मल्टीप्लाई किया है उसी को नीचे में प्लस करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने 1 का मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पर हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये 1 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर से ये 6 और 9 उतर जाएंगे। अब देखो इसमें चेंज क्या है, पहले वाले नंबर हमारे पास नॉर्मल रहता था, ठीक है, पूरा पूरा 169 दिया रहता था, बट यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो डेसिमल में है। तो अब जो हमारा डिजिट उतरा है वो डेसिमल के बाद का डिजिट उतरा है, तो हम क्या करते हैं ना, जब भी डेसिमल का डिजिट उतरता है तो हम यहाँ पर एक डेसिमल लगा देते हैं। बस इतना ही से इसमें चेंज है, बाकी पहले की तरह ही सॉल्व होगा। अब क्या होता है, इसका अगला स्टेप क्या है कि अब आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका टेबल आप उतनी ही बार पढ़ो। मान लो आप यहाँ पर इसे 1 लिखते हो तो यहाँ भी आपको 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप 2 लिखते हो तो यहाँ भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको दिमाग ये लगाना है देख करके कि यहाँ पर लास्ट में 9 है, तो ऐसा हम कौन सा टेबल पढ़ें। मान लो यहाँ पर अगर मैं देखो 3 लिखता हूँ ना, तो 3 3 से क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर हम 3 लिखेंगे। समझ में आ रहा बात ना, यानी कि आपको लास्ट के डिजिट को देखना है और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर 9 है, और 9 किसके टेबल में आता है, किसके स्क्वायर होता है, तो 3 का होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3, और यहां पर भी हमको लिखना पड़ेगा 3। अब देखो 23 3 जा कितना होता है, 69 होता है ना, तो ऑटोमेटिक ये सॉल्व हो जाएगा। बस आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है और यही दिमाग लगाना है कि ये किसका स्क्वायर आता है। तो ये 3 में भी आता है और 7 में भी आता है, लेकिन मान लो अगर मैं यहां पर 7 लिखता तो मुझे यहां पर भी 7 लिखना पड़ जाता, तो 27 7 जो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हमारे पास कितना केवल 69 है। इसीलिए हमने 3 स्टार्ट किया और हमारा आंसर जो था बिल्कुल सही हो गया। तो इसका जो आंसर होगा उसको आपको ऐसे लिख लेना है कि 1.69 इक्वल टू 1.3 होगा। ये बस इतने ही से सॉल्व करना था, ये हो गया हमारा 1 नंबर का कंप्लीट। आइए 2 नंबर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या क्वेश्चन है, 33.64 दिया हुआ है, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी तरीके से हम एक टेबल बना लेंगे, ये हो जाएगा 33.64। जैसे मैंने पहले बताया 2 2 का ये पेयर बन जाता है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास 33 आ गया, अब इसमें वही हमको फिर से देखना है ये किसका स्क्वायर है। तो 33 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अब इससे छोटा कोई नंबर लेंगे जो स्क्वायर में आए। तो जैसे कि हमारा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 जो 25, और उसके बाद फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 6 जो 20 सॉरी 36 हो जाता है, जो कि 33 से बड़ा है। तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे, 5 ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 5 जो 25, ठीक है? 33 में 25 माइनस हुआ, बच गया 8। इज दैट क्लियर? अब हमको क्या पता है कि जिसका उतना हमने मल्टीप्लाई किया है उसी को नीचे में ऐड कर देंगे, तो 5 और 5 हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो आप 10। अब उसके बाद फिर अब इधर से भी उतार दो ये डेसिमल वाले नंबर्स, तो ये कितने हैं, 6 और 4 है, यहाँ पर हमने 6 और 4 उतार दिया, तो अब ये डेसिमल वाला नंबर उतरा है तो यहाँ पर हम डेसिमल भी लगा देंगे, ठीक है? जो जो काम करते जाते हैं उसको कंप्लीट करेंगे पूरा पूरा, नहीं तो फिर बाद में अगर मान लो डेसिमल लगाना भूल गए फिर गलत हो जाएगा आंसर। इसीलिए डेसिमल वाला नंबर उतरा तो डेसिमल लगा दो जल्दी से। अब क्या करना है, फिर से आप देखो यहाँ पर लास्ट में 4 आया है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखेंगे जिसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, एक तो हमारा 2 है, 2 2 जो 4 होता है, और दूसरा कौन है, 8 है, 8 8 जो भी हमारा कितना होता है, 64, जिसके लास्ट में 4 आता है। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ पर भी 2 लिखता हूँ, तो 102 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो कितना आएगा, 10 2 4 आएगा, और हमारे पास कितना है, 864 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखो अब 8 यहाँ पर लिखा मैंने तो यहाँ पर भी 8 लिखना पड़ेगा। अब हमारा 108 जो 800 हो जाएगा, और 8 8 जो 64 हो जाएगा, यानी कि 108 8 जो 864 पूरा पूरा हमारा आ गया ना एक ही बार में। तो बस इसी तरीके से आपको अब डायरेक्ट बनाना है, ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करो, ठीक? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 33.64।
64 इक्वल टू 5.8। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस टाइप से क्वेश्चंस का ना, ये उतने ही ज़्यादा सॉल्व होते जाते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इस पर हम प्रैक्टिस ही हम नहीं करते हैं। कई बार होता है कि चलो भाई समझ में आ गया है तो छोड़ दो, बाद में इसको बनाते रहेंगे तो उससे क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, यानी कि आप भूल जाओगे कैसे बनता है। ये हो जाएगा हमारा 156.25 थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। आइए ट्री बना लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं क्योंकि बड़ा नंबर है ना, तो हो सकता है बड़ा जाए। तो ऐसे कर लो, यहाँ पर लिख लो 156.25, 2-2 का पेयर बन जाएगा। ये पेयर बना, ये पेयर बना, और ये जो हमारा 1 का पेयर नहीं बन पाया, इसको छोड़ दो। अब हमको पता है 1 है तो 1 बन जा ही 1 होगा, उससे बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो 2-2 जा 4 हो जाएगा जो कि 1 से बड़ा हो गया, इसीलिए हम 1 लिखेंगे। तो 1 बन जाए हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। इन दोनों को सेपरेट किए तो कैंसिल हो गया, और इसी तरीके से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 का तो नीचे में ऐड कर देंगे 1, तो 1 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इधर से ये 5 और 6 उतार दो यहाँ से, ठीक है। और अभी हम डेसिमल नहीं लगाएंगे ना, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी हमारा डेसिमल का यूज़ नहीं हुआ है। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, कि अब 2 के टेबल में हमारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर लिखना है। मान लो यहाँ पर मैं अगर 1 लिखता हूँ, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे हम, तो फिर कितना हो जाएगा, 21 बन जाए 21 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो 22 2 जा 44 हो जाएगा, जो कि इसके पास पहुँच गया। अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, तो 23 3 जा कितना हो जाएगा, तो 69 हो जाएगा, क्योंकि 23 जा हमारा 60 होता है, तो 3 3 जा और 9 हो जाएगा, यानी कि इससे बड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 22 2 जा 44। ऐसे करना है। अब यहाँ से 6 से 4 माइनस हुआ तो 2, और ये आ गया। अब हम ये डेसिमल वाले जो नंबर है ना 2 और 5, इसको भी उतार लेंगे और यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। इतना क्लियर है। और यहाँ पर हमने 2 का भी मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 2 लिख करके, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे ऐड भी कर देंगे। जैसे हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 ऐड किया ना, वैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया 22 से, तब ना हमारा 44 आया था, इसीलिए हम 2 को ऐड भी कर देंगे। तो 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो ऐसा कौन सा स्क्वायर होता है जिसके लास्ट में 5 आता है, तो केवल 5 ही ऐसा टेबल है जिसके लास्ट में 5 आता है। 5 5 जाए यानी कि है ना, 5 का स्क्वायर ऐसा है जिसके लास्ट में 5 आता है। तो हमको स्क्वायर देखना है ना, टेबल नहीं देखना है, नहीं तो टेबल में तो ऐसे में हमारे 15 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी 7 5 जाए 35 आता है लास्ट में 5, तो उसको नहीं देखना, हमको स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर हमारा 5 5 जाए ही क्या होता है, 25 होता है, जिसके लास्ट में 5 है। बाकी आप 2 से 9 तक चेक कर लो, किसी में लास्ट में 5 नहीं आता है। इसका मतलब सिंपल से ही रूल हो गया कि हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और 245 5 जाए ना, हमारा इतना आ जाएगा। आपको अगर डाउट है तो आप चेक भी कर सकते हो, यानी यहाँ पर भी हमारा कितना लिखाएगा, यहाँ 5 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 5 ही लिखाएगा। अब हम चेक भी कर लेते हैं इसका 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 5 जा 25 का 5 कैरी हो गया 2, 5 4 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी हो गया फिर से 2, 5 2 जा 10 और 2 12। देखो आगे हमारा ना 1225, तो ये जब 5 आता है ना तब एकदम निश्चिंत हो जाओ, वहाँ पर आपको पता ही चल गया कि अगर लास्ट में 5 है तो हमको यहाँ पर 5 ही लिखना है, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1225 और ये हो गया पूरा कैंसिल। तो इसका जो आंसर निकल गया हमारा वो कितना निकल गया, 12.5 निकल गया। इज दैट क्लियर। ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसे सॉल्व करते हैं। वो क्या दिया हुआ हमें, 75 और 69 दिया डेसिमल के बाद, ठीक है। मैं डायरेक्ट ऐसे बना देता हूँ ना, थोड़ा सा जगह नहीं यहाँ पर तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 75.69 यानी 69। जब भी डेसिमल के बाद हम लोग नंबर पढ़ते हैं ना तो 1 1 डिजिट करके पढ़ते हैं, यानी 69 है तो उसको 6 और 9 डिलीट किया जाएगा, ठीक। अब इसको आज स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये हमारे पास 2 का पेयर ये बन गया और एक ये 2 का पेयर बन गया, तो अब हमारे पास ये बन गया 75। देखो 6 का टेबल में हमारा 6 6 जा कितना होता है, आ जाता है हमारा 36, 7 7 जा 49 है ना, फिर 8 8 जा 64 और फिर 8 के बाद कौन सा नंबर है, 9 आता है, तो 9 9 जा 81, तो वो तो 70 हमारा 75 से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या लेंगे, 8 वाले ले लेंगे, यानी कि 8 8 जा 64 ले लिया। यहाँ पर हमने सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पर भी 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो नंबर हमारे डेसिमल के उस पार, उसको भी उतार देते हैं, ओके। और डेसिमल हमने चूंकि उतारा है तो यहाँ पर हम डेसिमल भी लगा देते हैं। यहाँ पर हमने 8 का मल्टीप्लाई किया था तो 8 को इधर ऐड भी कर देना है, 8 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास 9 आ गया है, तो फिर से हमको यही दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसके लास्ट में 9 आता है। तो ऐसे दो नंबर हैं, 3 3 जा भी 9 होता है और 7 7 जा 49 होता है जिसके लास्ट में 9 आता है। तो अब यहाँ पर अगर हम 3 लिखते हैं तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, तो 163 मल्टीप्लाई जब 3 से होगा तो कितना आएगा, 300 ऐसे हो जाएगा, 103 जा, और 63 का 3 टेबल पढ़ेंगे तो 120 के आसपास कुछ आएगा, यानी कि 400 के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हमको यहाँ पर 3 नहीं लेना है, डायरेक्ट अब इसको अपने दिमाग में ही क्या करो, मिज्योर कर लो, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 7 लेकर के देखते हैं। तो यहाँ पर मान लो हम लोग 7 लेते हैं तो यहाँ भी हमारा 7 आ जाएगा, तो 1 का टेबल हम लोग यानी कि 100 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 700 आ जाएगा, और 60 का भी 7 टाइम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा ना, 400, तो 700 400 लगभग 1100 हमारा आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा डायरेक्ट वाली करोगे ना उतनी ज़्यादा आपका टाइम बचेगा। तो यहाँ पर हम 7 लिख रहे हैं तो यहाँ भी हम 7 लिखेंगे, और एक बार चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो साइड में, लिखने से पहले मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। 7 7 जा 49 का 9, देखो लास्ट में 9 आ गया, उसके बाद कैरी हो गया हमारे पास 4,
सेवन सिक्स या 42 और 4 46 का 6 कैरी हो गया हमारे पास फिर से 4 7 जा 7 और 4 11 आ गया ना 1169 वही दिया था हमारे पास तो ये हो जाएगा हमारा 1169 और पूरा पूरा ये हो गया कैंसिल यानी कि जो हमारा आंसर होगा 75.69 का वो कितना निकलेगा उसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो हो जाएगा 8.7 क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। आइए अब जल्दी से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं कितना मिनट का हो गया वीडियो 10 मिनट का हो गया है थोड़ा सा डिटेल में चाह रहा था कि मैं आपको समझा दूँ तो ये वीडियो हमारा थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है तो एक काम करते हैं यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं जो आगे के 5 से लेकर 8 तक की कोई वीडियो है ना उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट वीडियो में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है बस अभी 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट क्या 2 सेकंड आपको लेफ्ट साइड में एक विंडो दिखेगा जिसमें आपको 5 to 8 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको बस क्लिक करना तो आप नेक्स्ट वीडियो में ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। हर वीडियो के मेरे लास्ट में एक विंडो पेन होता है जिसके लेफ्ट में क्लिक करो तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा और राइट में क्लिक करोगे तो उस एक्सरसाइज के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे ठीक है तो आप चिंता मत करो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा दूंगा नहीं तो फिर अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ज़्यादा लंबा वीडियो। ओके बच्चों तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग।